जी नमस्कार, बिग न्यूज 9 में कैमूर जिला से विवेकानंद पटेल की रिपोर्ट। सर नाम बताया जाए? अनिल सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव जदयू बिहार और बक्सर जिला के प्रभारी हैं। अपना सर? भानु प्रताप सिंह, जिला प्रवक्ता 94 के कार्यकर्ता, जिला कैमूर। जनता दल यूनाइटेड के संघर्षशील और पुराने कार्यकर्ता हैं और जानना चाहेंगे कि सरकार, नशा मुक्ति दिवस आज ही के दिन हुआ था और आज संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। जानना चाहेंगे कि सर 2016 में नशाबंदी हुई थी अप्रैल में, लेकिन अभी तक कि बिहार की अपडेट स्थिति क्या है? नशा मुक्ति 2016 में हुई थी और इसमें सरकार ने जो काम किया है बहुत सफलतापूर्वक काज किया है। कुछ लोग इने गुने जो लोग रह गए हैं वही अभी आज तक नशा ले रहे हैं और उन पर भी बंदिश लगाने के लिए सरकार हमेशा काम कर रही है। ऐसा कौन सा कारण है कि जो कि सरकार और चाहे प्रशासन की असफल रही है कि अभी तक लोग नशा ले रहे हैं बंद के बावजूद भी? सरकार की इसमें असफलता नहीं है, मनुष्य का गुण है कि कोई भी काम आप बढ़िया से बढ़िया करिएगा तो कुछ लोगों की आदत है कि उसके खिलाफ ही काम करेंगे। उनको अपनी जानकारी ही नहीं कि नशा से हमारे शरीर का, समाज का और परिवार का। लेकिन सर सरकार तो कई प्रकार का जागरूकता अभियान भी चला रहा है लोगों के बीच में और आज भी शपथ ग्रहण है कि जो कि लोग शराब न पिए और समाज को बेहतर बना सकें, लेकिन फिर भी लोग इस तरह का बर्दाश्त को एग्जाम दे रहे हैं। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है लेकिन फिर भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं। रोकने के लिए तो बहुत उपाय हो रहा है, लोगों में जागरूकता पैदा किया जा रहा है कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, नशा से घर परिवार समाज बर्बाद होता है और नशा एक ऐसा माध्यम है शोषण का कि नशा के माध्यम से शोषण भी होता है समाज में। तो इस नशा मुक्ति से जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। जिन लोगों ने शराब पी करके छोड़ दिया आज उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, बाल बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई दवाई सारी चीज़ों पर आज लोग काम कर रहे हैं और जो आज भी उसमें जकड़ा हुआ है सरकार का प्रयास है और जागरूकता लाया जा रहा है कि वो जो लोग अभी इने गिने जो लोग छूटे हुए हैं जो आज भी सेवन कर रहे हैं उनको भी जागरूक करके भविष्य में आने वाले दिनों में उनको भी हम लोग नशा मुक्त बनाए। जो शराबबंदी से सरकार को जो कर में नुकसान हुआ है, जो टैक्स जाता था उस टैक्स का भरपाई कैसे कर रही है सरकार? मतलब जो लोगों को विकास के रास्ते बंद हो जा रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है, इस पर क्या बता रही है? नहीं, वो तो सरकार कार्य कर रही है लेकिन नशा को हमारे नेता जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया 2016 में जिनका पहल किए वो बहुत सराहनीय कार्य किए, उस पर हम लोग आज काबू पाने के आगे चल रहे हैं। लगता है कि आगे हम लोग पा ही लेंगे। और रह गया बिहार की बात तो सरकार अपना लगा हुआ है, व्यवस्था किया हुआ है, उसमें कहीं कमी नहीं है, कहीं कोई कठिनाइयां भी नहीं आ रही है। हम नेता ने जो पहल किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है और आगे भी रहेगा। जहाँ तक उम्मीद है कि नीतीश कुमार ने जो वचन दिया है वो कायम है। जनता दल यू जिला प्रवक्ता भानु प्रताप सिंह, कैमूर। लेकिन हमको यह बताया जाए कि मतलब कि सरकार की जागरूकता अभियान के अलावा शपथ ग्रहण, मानव श्रृंखला के लोग भी सपोर्ट किए, बहुत से लोग और पार्टी भी लोग भी सपोर्ट किए, लेकिन अभी तक तो कहीं ना कहीं असफल, इसका सरकार को और कौन सा कदम उठाना चाहिए? मानव श्रृंखला बनाने का काम किए बहुत ही हमारे नेता ने निर्णय लिया, लेकिन अभी जो निर्णय लिया है वो बहुत सराहनीय है। सारे पदाधिकारी लोगों को फार्म भर करके और उसको जमा करना है। अगर वो हमारे कोई भी पदाधिकारी अगर इसमें आते हैं तो आगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। नशाबंदी के बहुत 4-5 साल लगभग बीत गए हैं लेकिन जो सरकार अभी तक फिर समीक्षा बैठक कर रही है बार बार और इस बार हिदायत दी है, मंत्री से लेकर के चौकीदार से लेकर के एसपी को सौ काज होगा, थाना प्रभारी को होगा, लेकिन अभी तक लोग शराब
पी रहे हैं और शराब की तस्करी जारी है, तो इस पर मतलब कि क्या निर्देश देना चाहेंगे जिलावासी को और अपने पुलिस प्रशासन से? देखिए, नशा मुक्ति पर जो कानून बना है सरकार की तरफ से और जो जागरूकता चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कानून, बहुत से कानून हैं, मर्डर कोई करता है उसको सजा मिलती है, ऐसा नहीं है कि आज मर्डर नहीं हो रहा है, चोरी डकैती नहीं हो रही है। सरकार का काम है लोगों को जागरूक करना, बताना और कानून को सख्त करना कि जो आज सेवन करे नशा का उसको पुलिस पदाधिकारी या जो भी माध्यम है उसके माध्यम से उनको पकड़ा जाए, जेल के अंदर डाला जाए और जागरूक बनाया जाए कि वो आगे से फिर नशा का सेवन न करे। सरकार का मुख्य मकसद यही है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं असफल है, अपना बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा है, लोग कहीं ना कहीं किसी अलग स्टेट से चाहे कहीं से ला रहे हैं चाहे बना रहे हैं, लोग होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी के लिए ही सरकार समीक्षा बैठक की लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हो रहा है, लोग कहीं जहरीले शराब पीकर मर रहे हैं, इस तरह से लोग बर्दाश्त दे रहे हैं, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार समीक्षा बैठक करना पड़ रहा है। इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से लेकर के मतलब लोग करकर्ता है चाहे आम लोग हैं, इस पर संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, सरकार हमेशा से इस पर सार्थक पहल कर रही है लेकिन कुछ लोगों को ऐसा है कि हम यही काम करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, हम नशा करेंगे तभी हमारा प्रतिष्ठा बनेगा। अब उनको समझ नहीं हो रही है कि नशा गलत चीज़ है, सरकार बार बार हिदायत दे रही है, उनको प्रशासन हिदायत दे रहा है, जो माल बाहर से आ रहा है, जो दारू लेकर आ रहा है उस पर हर जगह रिकवरी हो रही है, पकड़ा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सरकार की जो मंशा है इसको सफल होना नहीं देना चाहते हैं, और इसमें कुछ भीतर से कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो विरोधी दल हैं उनका भी सहयोग उन लोगों को मिल रहा है कि आप करिए इस तरह का काम और सरकार को बदनाम करिए। लेकिन तो बिहार में एम्बुलेंस भी शराब ढोने का काम किया, आपको मालूम होना चाहिए, तो एम्बुलेंस कौन सा राजनीतिक चाहे गैर राजनीतिक पार्टी चाहे जो भी चीज़ तो सरकार की कर? देखिए, एम्बुलेंस जो ढोने का काम, ऐसा नहीं है कि सरकारी एम्बुलेंस ढो रहा था, अब एम्बुलेंस का बोर्ड लगा करके और उस पर दारू लाइएगा तो उसी को ना आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस पर ढो जा रहा, ऐसा नहीं कि कोई सरकारी कर्मचारी और अस्पताल से एम्बुलेंस गया और उस पर दारू लाद के आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विभागी से बात रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी असफल दिख रही है और हताश एवं निराश स्थिति में है, बार बार समीक्षा बैठक करने के बावजूद अधिकारियों को बैठक करके बताया जाता है फिर भी इसके बावजूद भी शराब बंद होने का नाम नहीं लिया जा रहा है, और सरकार पूरे समीक्षा बैठक के साथ और लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, शपथ दिलाने का काम किए, मानव श्रृंखला भी लगाई, लेकिन बिहार के लोग शराब पीने से नहीं बच रहे हैं, और जो फैमिली जो परिवार शराब छोड़ दिए हैं वाकई में उनका विकास हुआ है, जो बाहर से जो पर्यटन थे जो बिहार में आना चालू किए हैं शराबबंदी से, वजह से शराबबंदी से फायदा है, अपने चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहेंगे बिहार प्रदेश के लोगों को कि शराब पीने से नुकसान है, अपने घर में अपने बच्चों को कॉपी किताब लाने का काम करें, फैमिली को अच्छे ढंग से चलाने का काम करें, शराब बंदी वाकई में ख़राब चीज़ है। इसी के साथ बिग न्यूज़ 9 से विवेकानंद पटेल, जनता।